कितने हैं? 27 है वर्तमान में। ईयू की शब्दावलियां, हम 5 मिनट में ना बहुत ही मजेदार मुद्दा करने वाले हैं। ईयू की जो ईयू से रिलेटेड जो हैं, जो शब्द आते हैं बार बार हमारे सामने, हम एक करेंगे पूल्ड सोवर्निटी। पूल्ड सोवर्निटी, एकत्रित संप्रभुता, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं ये क्या है। चलो एक बार सारे शब्द लिख देता हूं, फिर आपके मन में एक खाका तैयार हो जाएगा। पूल्ड सोवर्निटी, एक है लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, एक शब्दावली है यूरो जोन, एक शब्दावली है पिग्स। पिग्स सुअर नहीं है। एक शब्दावली है कोपनहेगन मानदंड। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है, कोपनहेगन मानदंड। एक शब्दावली है स्विंग 16 और एक अंतिम शब्दावली है सांगेन वीजा। ईयू की शब्दावली, सबसे पहले हम पूल्ड सोवर्निटी करते हैं। तो पूल्ड सोवर्निटी का संबंध, एकत्रित संप्रभुता का संबंध किससे? ईयू से। ईयू के 27 सदस्य देशों ने अपनी संप्रभुता को क्या कर रखा है? इकट्ठा कर रखा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? एक राष्ट्र की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी एकल सुरक्षा, एकल विदेश और एकल मौद्रिक नीतियां हैं, और इन्होंने अपनी संप्रभुता को क्या कर लिया है? इकट्ठा। विदेश नीति स्वतंत्र और संप्रभु देशों की अलग होती है, लेकिन इन्होंने क्या संप्रभुता आड़े आती है क्या? नहीं। ईयू ने निर्णय कर लिया कि हमें यूक्रेन का विरोध करना है, तो बाकी 27 देश बताओ क्या करेंगे? ईयू के इस निर्णय का समर्थन करेंगे कि हम बिल्कुल यूक्रेन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं तो यूक्रेन का साथ नहीं दूंगा, मैं तो रूस का साथ है दूंगा। नहीं है, 27 एक आवाज में बोलते हैं। इसका मतलब इन्होंने अपनी संप्रभुता को क्या कर रखा है? पूल्ड कर रखा है, तभी इतने महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या होता है? देखिए, ईयू के जो सदस्य देश है उनको ईयू की बात माननी होती है। अब ईयू की जो संसद है, जो कानून बनाती है, ईयू देशों की संसद, ईयू की जो कार्यपालिकाएं हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह है, यानी विभिन्न देशों के जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता क्या उम्मीद करती है? किसी भी देश की जनता की हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मंत्रिपरिषद और हमारी संसद किसकी बात मानेगी? हमारी बात माने, इसीलिए हम अपनी सरकारों को चुनते हैं। अब जनता यह कह रही है कि हमें गैस के ऊपर सब्सिडी दो। ईयू ने निर्णय किया है कि कोई भी सदस्य देश अपने नागरिकों को गैस पे सब्सिडी नहीं देगा, क्योंकि गैस महंगी हो रखी है और रूस है ना, गैस की सप्लाई नहीं कर रहा है। अब बताओ सरकारें क्या करेगी? ईयू की बात मानेंगे अपने नागरिकों की? ईयू की बात मानेंगे। तो ईयू के जो सदस्य देश हैं, उन देशों की जो कार्यपालिकाएं हैं और विधायिकाएं हैं, वो अपने नागरिकों की बजाय किसकी बात मानने के लिए बाध्य है? ईयू की बात। इसलिए वहां के नागरिकों को इसमें शामिल होने से जो घाटा हो रहा है, उसको हम कौन सा घाटा बोलते हैं? लोकतांत्रिक घाटा। ईयू के सदस्य देशों, ईयू ने अपने सदस्य देशों से कहा कि देखो घाटे का बजट मत बनाना, और इतना 98 कमाई और रुपया खर्चा
मत करना और रेवड़ियां मत बांटना। अब क्या ईयू ने यह निर्णय कहा कि रेवड़ियां मत बांटना तो इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, क्या यहां की सरकारें अपने नागरिकों को सुविधाएं दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। जबकि ये चुनी हुई किसकी है? अपने नागरिकों के द्वारा। किसकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए चुनी गई है? अपने देश के नागरिकों के द्वारा। लेकिन वो देश के नागरिकों और अपने निर्वाचकों की बजाय बात मानती किसकी है? ईयू की बात मानती है। इसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक घाटा। अब आ गया है यूरो जोन क्या है। यूरो जोन का तात्पर्य है कि वो देश जहां कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा। जैसे हमारा मुद्रा रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वैसे यूरोपियन देशों की मुद्रा है यूरो। तो जिन देशों में यूरो मुद्रा चलती है उसे कौन सा जोन बोलते हैं? यूरो जोन। इस यूरो जोन की स्थापना यानी इस यूरो जोन को हम यूरोपीय संघ का कौन सा संघ बोलते हैं? मौद्रिक संघ। मौद्रिक संघ का तात्पर्य है कि इस संघ के देश हैं मौद्रिक संघ के, उसमें कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो। ये यूरो मुद्रा टोटल 27 देश है ईयू के मेंबर, उसमें कितने देशों में चलती है? 20 देशों में। तो बताओ ईयू के मौद्रिक संघ में कितने देश शामिल है? 20 देश। इनको हम कौन से देश बोलते हैं? यूरो जोन के देश। तो यूरो जोन में कौन से देश आते हैं? चलो आप बताओ, जिन देशों में यूरो मुद्रा चलती है, बाकी 7 देश अपनी मुद्रा चलाते हैं, और ये 20 देश कौन सी मुद्रा चलाते हैं? यूरो मुद्रा चलाते हैं। इस मौद्रिक संघ की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1999 में, एक बार ट्रायल किया गया, लेकिन इसको पूर्णतया लागू कब किया गया? 2002 में। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार कि मौद्रिक संघ बना कब? 1999 में, और पूर्णतया इंप्लीमेंट कब हुआ? 2002 में। और 1999 में इस मौद्रिक संघ के तहत इन्होंने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की। केंद्रीय बैंक, अभी बताओ केंद्रीय बैंक क्या करेगा? वही काम करेगा जो भारत में आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है बताओ? ये मुद्रा छापता है, मुद्रा को नियंत्रित करता है, यही करता है जैसे आरबीआई भारत में करता है। ये केंद्रीय बैंक है और ये चलता है जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट का नाम आपने कहां पढ़ा था बताओ? हाँ, ये नव मार्क्सवादी वाला, ये फ्रैंकफर्ट शहर से चलता है केंद्रीय बैंक, जर्मनी के अंदर से चलता है। तो हमने यूरो जोन देखा, यूरो मुद्रा मौद्रिक संघ है, ये 20 देश है इसके अंदर। इसका मतलब 7 देशों में ये नहीं है। 2 देश जिसमें से एक है स्वीडन और एक है डेनमार्क, ये 2 मुख्य देश है, बाकी तो चलो छोटे देश है, इन्होंने यूरो मुद्रा नहीं अपना रखी, ये अपनी मुद्रा चलाते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने क्या अपना रखी है? यूरो मुद्रा। तो वो देखिए क्या यूरो जोन और यूरोपियन यूनियन, इनका एरिया एक ही है, अलग है, अलग है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ 4 देश ऐसे भी हैं, चाहे वो छोटे छोटे देश है, वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, लेकिन वहां क्या चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। तो यूरो जोन में आ गए वो। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं गलत बता गया हूं। यूरो जोन में सिर्फ कौन से देश आएंगे? यूरोपियन यूनियन के देश आएंगे यूरो जोन में, लेकिन 4 ऐसे भी हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा अपना रखी है, तो वो कौन काय में नहीं आएंगे? यूरो जोन में। यूरो जोन में सिर्फ यूरोपियन यूनियन के कितने देश आते हैं? 20 देश आते हैं। 4 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अपना रखी है, उसमें से एक देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, एक देश एंडोरा है, एक देश मोनाको है, और एक सेंट मेरिनो है, सेंट मेरिनो। ये 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं 27 में, फिर भी इन्होंने कौन सी मुद्रा अपना रखी है? यूरो मुद्रा अपना रखी। तो यूरो जोन, यूरो मुद्रा वाले देशों से बना हुआ जोन, यूरो जोन। अब हमने 2 देश याद कर लिए, स्वीडन डेनमार्क में नहीं चलती, टोटल 7 देशों में नहीं चलती 27 में से। 4 ऐसे देश हैं जो अलग हैं, वहां ये चलती है, जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। अब इसी यूरो जोन से रिलेटेड एक संकट आता रहता है, पीछे भी आया था, कौन सा? पिग्स। ये पिग्स क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। पिग्स का तात्पर्य है
ये पांच देशों के नाम का शुरुआती अक्षर है। पी का तात्पर्य है पुर्तगाल, आई का तात्पर्य है इटली, आई का तात्पर्य है आयरलैंड, जी का तात्पर्य है ग्रीस यानी यूनान यान, और एस का तात्पर्य है स्पेन। स्पेन पुर्तगाल तो आएंगे ना। ये वो देश हैं जो घाटे का बजट अपनाते हैं, जिनकी कमाई अठन्नी है लेकिन खर्चा ये रुपया करते हैं। इस वजह से इन देशों में जो मौद्रिक संकट आता है तब यूरोपियन यूनियन कहता है बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, तुमने खर्च ज्यादा क्यों किया। तो ये देश ना कई बार ना बर्बादी के दौर में पहुंच जाते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था फेल होने के दौर में पहुंच जाती है, क्यों इनके पास मुद्रा समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये नागरिकों के कल्याणकारी कार्यों पे खर्चा क्या कर देते हैं, ज्यादा फालतू का खर्चा ज्यादा कर देते हैं, जबकि इनसे कहा हुआ है कि खर्चा उतना ही करो जितना तुम्हारी क्या है कमाई है। तो ये फिर यूरो यूरो मांगते रहते हैं, हमें और यूरो दे दो, फिर यूरोपियन यूनियन मना कर देते हैं, इनको केंद्रीय बैंक है, तब इनकी हालत खस्ता हो जाती है। तो यूरो जोन में जो मौद्रिक संकट आता है पांच देशों में, उनको हम क्या बोलते हैं, पिक्स आया था उसको हम पिक्स बोलते हैं। तो पिक्स किसकी शब्दावली है, ईयू की। अब है हमारे पास कोपनहेगन मानदंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोपनहेगन मानदंड। इनका तात्पर्य है ऐसे मानदंड जिनका निर्धारण कहां डिसाइड किया गया, कोपनहेगन स्वीडन की राजधानी है शायद, मैं गलत तो नहीं कह रहा, डेनमार्क की है, चलो मैं माफी चाहूंगा, मैं राजधानी भूल रहा हूं कौन से देश की, कोपनहेगन मानदंड। कुल मिला के कोपनहेगन मानदंड में वो मानदंड आते हैं, वो स्टैंडर्ड आते हैं कि जिनकी पूर्ति कोई देश करेगा ना तो वही किसका सदस्य बनेगा, यूरोपियन यूनियन का। और ऐसे तीन बड़े मानदंड हैं जो किसी भी देश को पूरे करने होते हैं। नंबर एक, अगर आपको ईयू का सदस्य बनना है तो आपकी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक दिखनी भी चाहिए और वास्तव में होनी चाहिए, नाम का लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, नाम का लोकतंत्र तो रूस में भी है। दूसरा है कि यहां किसका सम्मान होना चाहिए, मानवाधिकार, जनता को खूब स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। और तीसरा है कि इनकी कौन सी नीति सही होनी चाहिए, राजकोषीय, ये बजट घाटे का इसका शिकार नहीं होने चाहिए, राजकोषीय नीति इनकी सही होनी चाहिए, कंगाल देश नहीं होना चाहिए। तो तीन है, अच्छा लोकतंत्र हो, मानवाधिकारों की सुरक्षा हो और बजट की व्यवस्था अच्छी हो। अगर तीन मानदंड आप पूरे करते हैं तो इनको हम कौन से मानदंड बोलेंगे, कोपनहेगन। तब आप किसके सदस्य बन सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के तो होने ही चाहिए आप, ये तो है ही है, ये नहीं कि भारत इन मानदंडों को पूरा करे तो भारत भी किसका सदस्य बन जाएगा, यूरोपियन यूनियन का, नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कौन से देश शामिल होते हैं, यूरोप के, क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। अब हम चर्चा करें कि एक देश बार बार इसमें घुसने की कोशिश कर रहा था और इसको घुस नहीं पाया ये, और वो देश कौन सा था, तुर्की, जिसको हम टर्की बोलते हैं, क्योंकि टर्की है ना इन स्टैंडर्ड पे क्या नहीं उतरता, खरा नहीं उतरता, इसलिए हर बार ही इसका एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते थे। इतनी बार इसकी आवेदन एप्लीकेशन फाड़ी गई कि इसने एप्लीकेशन लगाना ही बंद कर दिया। अब ये कहता नहीं है कि मुझे किसका सदस्य बनाओ, ईयू का सदस्य बनाओ, तुर्की। दो देश ऐसे भी हैं जो बड़े, हालांकि और भी बहुत देश है, लेकिन दो महत्वपूर्ण देश आप याद रखें जो हैं तो यूरोपियन देश, अच्छे भी हैं, इन सब स्टैंडर्ड पे खरे भी उतरते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम इसके सदस्य नहीं बनेंगे। और ऐसे देशों में एक देश है स्विट्जरलैंड और एक देश है नॉर्वे। स्विट्जरलैंड तो अपनी कौन सी नीति के तहत, वो तटस्थता वाली नीति के तहत मेंबर नहीं बनता, और एक देश नॉर्वे और है, वो भी इसका मेंबर नहीं है, बाकी और भी देश मेंबर नहीं है, यूरोपियन देश है, लेकिन दो ये मुख्य देश है जो ये सारे स्टैंडर्डों पे खरे उतरते हैं। कौन से स्टैंडर्ड, कोपनहेगन के स्टैंडर्ड। तो तुर्की स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरा, ये पूरा उतरा, हम तो बनेंगे नहीं, ये स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। तो हमने कौन से मानदंड किए हैं, कोपनहेगन मानदंड, ये ईयू के सदस्य बनने की शर्तें हैं ये वाली। अब आ गया स्विंग 16 क्या है, स्विंग हो जाना फिर नया टर्न ले लेना। 1960 का दशक था,
1950 का दशक तो आपको पता है 45 में युद्ध होके गुजरा है और बर्बाद हो रखे हैं कौन से देश, यूरोपियन देश। तो अब 1960 का दशक है ना, इसमें यूरोपियन देश वापस आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विंग 16 बोलते हैं। यूरोपियन देशों की आर्थिक व्यवस्था स्विंग कर गई है, इसको हम स्विंग 16 बोलते हैं। एक है सांगेन वीजा। सांगेन वीजा का तात्पर्य यह है कि अगर आपका ये जारी हो जाता है सांगेन वीजा, तो आप एक ही वीजे से यूरोपियन यूनियन के समस्त देशों में आ और जा सकते हैं, अलग देश के लिए अलग वीजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सांगेन वीजा यूरोपियन यूनियन का ऐसा वीजा है कि एक बार अगर आपके जारी हो गया तो इन 27 देशों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अलग देश के लिए अलग वीजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सांगेन वीजा की संधि हुई थी 1985 में और ये सिरे चढ़ी 1995 में। सांगेन वीजा एक इकट्ठा वीजा जो सभी देशों का एक साथ जारी होता है, उसको हम सांगेन वीजा बोलते हैं। अब हमने ये शब्दावली की किसकी, ईयू की। अब आपको इनका पता है कि शब्दावलियां है क्या, साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे तथ्य और भी करवा दिए इसके साथ साथ। अपने की पुल्ड सोवरनिटी, 27 सदस्य राष्ट्रों ने अपनी सोवरनिटी को पुल्ड कर रखा है, लोकतांत्रिक घाटा। ईयू के सदस्य देशों की सरकारें अपने नागरिकों के बजाय किसके दबाव में रहती है, ईयू के दबाव में रहती है। यूरो जोन क्या है, जहां यूरो मुद्रा चलती है। पिग्स क्या है, जहां यूरो मुद्रा का संकट आया हुआ है। कोपनहेगन मानदंड क्या है, हाँ सदस्यता की शर्तें हैं। स्विंग 16 क्या है, ठीक है ये 60 के दशक में यूरोपियन देशों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। और सांगेन वीजा एक ऐसा एकल वीजा जिसके तहत आप अन्य देशों में भी एंट्री कर सकते हैं। ये हमने ईयू की शब्दावलियां देखी, हमने यूरो जोन की और अन्य चर्चाएं कर ली।